जैसा कि आपने देखा, हम बच्चे और भैया दीदी सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे चिल्ड्रंस मीडिया सेंटर की तरफ। ये है हमारा चिल्ड्रंस मीडिया सेंटर और ये है हमारे बाल पत्रकार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नसीमा। हाय, मेरा नाम अंजलि है। नमस्ते, मैं रोहित। हेलो, मेरा नाम समीर है। हाय, मैं सिद्धा। हाय, मैं सुमित। हम बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन के बच्चे यहाँ पर बैठकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और स्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमें टॉपिक सोचना होता है। टॉपिक सोचने के बाद फिर हम बच्चे अपने चिल्ड्रंस मीडिया सेंटर के मोबाइल में रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद फिर थोड़ा भैया जी से पूछते हैं, कुछ अपनी राय डालते हैं, और फिर उसके बाद से हमारी स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और ना ही हम खाली मोबाइल और भैया दीदी से पूछते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर जाके भी उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। और ये था हमारा प्री प्रोडक्शन, और अब चलते हैं हम अपने प्रोडक्शन की तरफ। और ये है हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लेकर आया बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रेन। आज हम चर्चा करना चाहते हैं डेंगू के ऊपर। हमारे साथ कुछ बाल साथी हैं, उनका नाम है फिजा। ये सब रिकॉर्डिंग हमारे कंट्रोल रूम में होता है, तो चलिए अपने कंट्रोल रूम की तरफ। अगर यही हमारा कंट्रोल रूम है। अगर आपकी उम्र 9 से 16 वर्ष के बीच है तो हाय, आई एम साहिल। हाय, आई एम दीपक। जी वो बोलते हैं हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अगर अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो हम उनसे दोबारा कहते हैं कि दोबारा बोलो और ठीक से बोलो, इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। और फिर हम इसके साथ साथ जिस एपिसोड को हम बना रहे हैं उसके विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट से बात करते हैं। हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं, अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनके टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। अगर टेलीफोन पर नहीं कर सकते तो हम उनका अपॉइंटमेंट लेके उनके यहाँ जा सकते हैं। अभी हमने हाल में ही एक प्रोग्राम बनाया था पर्यावरण, उस पर हमने डॉक्टर सुनीता नारायण जी से इंटरव्यू किया था। कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी हमारी पेंडिंग काम होगा, कोई डेडलाइन होगा, फिर भी सब कुछ छोड़ के मैं हमेशा इधर आती हूँ और बच्चों का ये कार्यक्रम सुनती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम इतना अच्छा मन को लुभाता है। बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो देखने लायक है, जिस तरह से एंकरिंग करते हैं और सारी चीजें याद रखते हैं, और बड़ों से जिस तरह आप इंटरव्यू करते हैं बिना झिझके, कहीं अटकते नहीं हैं, और जो मुद्दे भी आप लोग उठाते हैं वो मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो समय की बात हो, चाहे वो जनसंख्या की बात हो, चाहे कोई और मुद्दे हो, बच्चों के प्रोटेक्शन के मुद्दे हो, तो सारे मुद्दे भी आपने बहुत सुंदर चुने हैं। और जिस तरह से आप एंकरिंग करते हैं उसको देखकर मैं एकदम भाव विभोर हो जाती हूँ, इसलिए हमेशा हर थर्सडे में ये प्रोग्राम सुनती हूँ। मुझे ये प्रोग्राम बच्चों की नज़र से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने का एक अवसर हम लोगों को मिलता है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, जो बच्चे मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन के बारे में हो, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो इससे एक ये चीज़ दिखता है कि बच्चों के अंदर क्या अवेयरनेस है, और वो लार्जर पॉपुलेशन के साथ भी एक अवेयरनेस बना रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को भी बच्चों की नज़र से, बच्चों के पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझने का और जानने का मौका मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चों का कॉन्फिडेंस और जितनी वो मेहनत करते हैं वो काबिले तारीफ है। मीडिया सेंटर में रेडियो के साथ साथ और भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि दिल्ली चिल्ड्रंस एंड यानी न्यूज़पेपर, जो हर मंथ निकलता है और ये 20 सालों से निकलता आ रहा है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस साइंस, जो कि अगले महीने से शुरू होगा, और डिजिटल स्टोरी टेलिंग, जो कि बच्चे अपनी कहानी लिखकर स्केच के माध्यम से दर्शाते हैं, और वीडियो, जो कि हम छोटे मोटे वीडियो बनाते रहते हैं। थिएटर यानी एनुअल प्ले, जिसमें हम बच्चे भाग लेते हैं और दूर दूर के लोग देखने भी आते हैं, और बीच बीच में नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। स्टोरी टेलिंग, किसी जगह का इतिहास लेकर हम उसे दर्शाते हैं। कल्चरल आफ्टरनून,
ये एक बच्चों का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं, जैसे डांस, सिंगिंग, नाटक और भी बहुत सी चीजें। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, कैसे बनाते हैं। हाय, नमस्कार, मेरा नाम लवी है। यह अखबार हम बच्चे मिलकर हर महीने छापते हैं। इस अखबार का नाम है दिल्ली चिल्ड्रंस टाइम्स। इस अखबार में लिखे जाने वाले हर विषय पर हम बच्चे मिलकर चर्चा करते हैं। यह अखबार हम 20 साल से छापते आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। हम रिपोर्ट पढ़ाई, स्कूल शिक्षा पर लिख सकते हैं, सेहत स्वस्थता पर लिख सकते हैं, खेल कूद पर लिख सकते हैं, राजनीतिक पर लिख सकते हैं, फिल्म और सिनेमा पर भी लिख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। हम अखबार में अपने सपने के बारे में लिखते हैं और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में लिखते हैं और कहानी, कविता, पजल्स, मनोरंजन के बारे में लिखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है। इस फाइल में सारे संस्थाओं के बच्चों की रिपोर्ट है और इस फाइल में जो बच्चे अखबारों के लिए भेजते हैं और हम सब बच्चे देखते हैं कि इस बच्चे ने सही से लिखा है या नहीं। जो बच्चा गलत लिखता है, गलत होता है इसमें, तो उससे हम बोलते हैं फिर से सही करके हमें दें और फिर हम लोग इसमें से सही से पढ़ के और छानबीन करके और इसे छाट के और फिर हम लोग इसे अखबार में छापने के लिए भेज देते हैं। फ्रॉम आवर बटरफ्लाइज मीडिया प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर लर्निंग हाउ टू आर्टिकुलेट देयर व्यूज विद कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो दे आर नॉट ओनली रेजिंग क्वेश्चन एंड इशूज विच आर अबाउट देयर ओन पर्सनल इशूज, बट दे आर ऑल्सो थिंकिंग क्रिएटिवली एंड कलेक्टिवली द इशूज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। In the late 80s and the beginning of 90s, we were working with children. We used to read newspapers to them. And what we realized was that most of the newspapers carried very little information about children, or for that matter, the children's views. The news that was published were news that was either where a child has done something extraordinary or where a child has been a victim of a violence. So at that time we felt it was so necessary for children to view and to share their views and their thoughts with the outside world, and what better way to do it than through a radio and newspaper. And that's how the Butterfly Broadcasting Children was born and the Delhi Children's Times. The Delhi Children's Times began as a wallpaper and slowly evolved into a newspaper. And we hope that in the coming months we can have an international newspaper of children with correspondents from different parts of the world. And we hope that will become a reality by the end of this year.